नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना वो है माइनर। आपको इस डिटरमिनेंट का बोलेगा माइनर निकालिए, तो अब समझो माइनर क्या होता है। हम लोग ना माइनर को डिनोट करते हैं एम 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 से, ठीक है, एम से डिनोट करते हैं। और ये जो हम लिखे हैं ना 1 1 1 2 1 3, वो है डिफरेंट पोजिशंस, ठीक है। पोजिशन कैसे समझो, हमने वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट समझाए थे 3 × 3 मैट्रिक्स का, सुनना वहां पर हम माइनर बोले, माइनर समझो हुआ क्या। यहाँ पर हम पोजीशन क्या दिए है 1 1 पोजीशन, 1 1 मतलब कि ये वाला पोजीशन है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पता है 1 मतलब फर्स्ट रो, ये 1 मतलब नेक्स्ट कॉलम है, तो ये 1 रो 1 कॉलम। अब जब इसका माइनर निकालना है तो क्या करना है, इसको हम पूरा हाइट करेंगे, इसको हम पूरा हाइट करेंगे, तो क्या मिल रहा है 3503, मतलब कि जो 1 1 पोजीशन का जो माइनर हुआ है ना वो है 3503, ठीक है। फिर क्या है 1 2 1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो ये है सेकेंड कॉलम ये है, दैट मीन्स ये नंबर एक्सट्रैक्ट होगा, तो इसका सीधा में क्या हो रही है, इसको हाइट करेंगे इसको हाइट करेंगे, ध्यान से देखो क्या मिल रहा है 6513, तो इसका माइनर क्या होगा 6513, ठीक है। 1 3 1 3 मतलब कि क्या होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब ये वाला नंबर एक्सट्रैक्ट होगा, इसका सीधा में ये आता है, इसका सीधा में ये आता है, तो क्या होगा 6310, एंड 1 3 का जो माइनर हुआ 6310 हुआ, ठीक है। वैसे इसका भी निकालेंगे M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब सेकेंड रो ये हुआ फर्स्ट कॉलम ये हुआ, दैट मीन्स इसका, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो इसका सीधा तो क्या हो रहा है, देखो 8503, यहाँ पर वह होगा 8503। M22 मतलब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में यही आ रहा है, देख लो इसको हाइट करेंगे, इसको हाइट करेंगे तो क्या बचेगा 3513। फिर M23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये गया थर्ड कॉलम ये गया, ठीक है, तो क्या आ रहा है 3810। फिर कंफ्यूज मत होना, इसमें बता दे रही हूँ, ये जो M31 है, 3 पहले हमेशा रो होता है, रो मतलब ये रो है थर्ड रो है, ये 1 मतलब कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम है, दैट मीन्स ये नंबर को एक्सट्रैक्ट करना, तो इसका सीधा में क्या आया है 8535, ठीक है। फिर M32 है, M3 मतलब ये थर्ड रो है सेकेंड कॉलम है, दैट मीन्स ये नंबर को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच रहा है 3565, ये क्या है 3 3, दैट मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इस नंबर को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका माइनर क्या बच रहा है 3863। इस टॉपिक के बाद आप शायद क्लियर हो गए होंगे कि डिटरमिनेंट का जो 3 × 3 मैट्रिक्स में था उसमें जो माइनर निकाल रहे थे वो कैसे निकलेगा और उसका वैल्यू कैसे आएगा, वो भी समझ में आ गया था। अच्छा, अगर आपको माइनर का वैल्यू भी निकालने बोल रहे तो यही करना है, बस 3 × 3 9 करना, 9 − 5 0, जैसे 2 × 2 में किए थे, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हो गया माइनर कैसे निकालना है। अब समझो कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, जैसे इसी डिटरमिनेंट में आपको बोल देगा कोफैक्टर निकालने, तो कोफैक्टर निकालने के लिए बुक में तो एक फॉर्मूला है बट हम उसको सजेस्ट नहीं करेंगे, कभी कभी बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है उसको निकालने में, इसलिए क्या करना, कोफैक्टर जब निकालने आएगा सबसे पहले साइन पुट करना। साइन कैसे पुट करोगे, मान लो इसी का दिया हुआ था, साइन कैसे पुट करोगे, प्लस माइनस प्लस, समझाया था, यहाँ पर प्लस होता है फिर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है। अब तुमको सब में साइन पुट करना है, इसमें भी साइन पुट करना है, इसमें भी साइन पुट करना है, इसमें भी साइन पुट करना है, ये तीनों में भी साइन पुट करना है, तो कन्फ्यूजन होगा क्या साइन पुट करना। सबसे पहले ना एक डायमंड बनाना, डायमंड का जो वर्टेक्स होता है ना वर्टेक्स में माइनस साइन लगेगा, वो याद रखना। तो यहाँ पर डायमंड कुछ ऐसा बनेगा, देख लो डायमंड कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, और उसका वर्टेक्स में हम माइनस साइन पुट कर देंगे, और जितना रेस्ट ऑफ द पार्ट है ना वहां पर प्लस साइन पुट कर देना। ये मेरा प्लस हो गया, ये भी मेरा प्लस हो गया, और ये भी मेरा प्लस हो गया। अब जब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो बता रहे कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं ए आई जे से। ये आई जे क्या डिनोट करता है, पोजीशन, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर आई का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 2 और जे का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो हम बताए थे सेकेंड फर्स्ट वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम को डिनोट कर रहा होता है, तो ये क्या रो है और ये कॉलम है, तो यहाँ पर किसका बोल रहा है, ये सेकेंड रो आए थर्ड कॉलम आए, दैट मीन्स इस नंबर के बारे में बात हो रहा है। अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 3 8
10। अब बोलोगे आप एक्सट्रैक्ट करने क्यों बोल रहे हैं, ये समझो कि जब हम लोग को कोफैक्टर निकालना होता है ना, तो एक फॉर्मूला बताया गया बुक में, वो तो मना क्या करना है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले 2, 3 का तुमको कोफैक्टर निकालने बोल रहा है, सबसे पहले इक्वल साइन पुट करना। 2, 3 में पोजिशन क्या आया, यहाँ पर साइन का क्या आया, माइनस साइन आया था, माइनस साइन दे देना और फिर उसका माइनर लिखना। माइनर क्या आएगा, 3810, 3810। तो अब क्या करेंगे, माइनस साइन हम यहाँ पर बाहर निकाले हुए थे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 0। माइनस साइन हम पुट करना, हमेशा बोल रहे थे माइनस साइन पुट करना है, 8 × 1, 8। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आएगा मेरा +8। ये समझ में आया कैसे हुआ। अगर मान लो तुम लोग को बोलेगा 3, 1 का कोफैक्टर निकालें, 3, 1 मतलब मेरा ये फर्स्ट वाला रो को बोलता है, सेकंड वाला कॉलम को डिनोट करता है, तो ये रो हुआ और ये मेरा कॉलम हुआ। दैट मीन्स हमको इस पोजिशन का कोफैक्टर निकालना, सबसे पहले क्या करना, साइन पुट करना। यहाँ पर देखो कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो प्लस साइन पुट करना और फिर इसका माइनर निकालना। तो माइनर क्या निकलेगा, इसको हाइड करेंगे तो सीधा सीधा हमें 8535। तो अगर इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, +8540 -15, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 25। ये क्लियर हुआ। यहां से एक चीज याद रखना, जो फॉर्मूला था बस एक साइन पुट करना, साइन समझे कैसे निकालना है, साइन साइन पुट करना जो भी साइन होगा और फिर उसका माइनर निकालना। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को।